मॉस्को में, पूरे यूरोप में खलबली मच गई, तिल मिला गए लोग, यूएसए के लोग भी कहने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है। ये भूल जाते हैं लोग बहुत कन्वीनियंटली के यूरोप इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया इज स्टिल बाइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ गैस, कोल एंड एनर्जी एंड ऑयल फ्रॉम द रशियंस। मतलब आप करें तो ठीक ठाक है, हम करें तो गड़बड़ है। मतलब हिंदुस्तान ने एक तरीके से मैसेज भेजा है, संदेश भेजा है पूरी दुनिया को कि जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सोचते हैं और किसी की नहीं। गणेश खानकर जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, ये दुनिया में जो राजनीति चलती है वो गिव एंड टेक पॉलिसी पर चलती है, या दुनिया के विश्व के राजनीति में कोई किसी का बेमतलब दोस्त नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हमने इस बात को नहीं भूलनी चाहिए कि 1971 जब अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था बांग्लादेश के समय, जो लड़ाई चल रही थी उस समय रशिया हमारे साथ में खड़ा रहा था जी। याद कीजिए, उस समय यदि रशिया हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो उस युद्ध का परिणाम क्या होता। बीच के दिनों में जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, और अभी जो अमेरिका आतंकवाद के बारे में सोचती है, जब उसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं तब अमेरिका ये सोचती है। लेकिन याद कीजिए कुछ सालों पहले अमेरिका की आतंकवाद के बारे में क्या भूमिका थी और वो क्या सोच रहे थे, ये हम भली भांति जानते हैं जी। उस समय वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़े थे, हर साल वो पाकिस्तान को मदद देते थे। बावजूद उस समय रशिया हमारे साथ खड़ा रहा।